अगर आपके गुड़हल के पौधे की कली फूल खिलने से पहले पीली होकर गिर जाती है तो आप इस समस्या से परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपके पौधे की एक भी कली गिरेगी नहीं, पूरी तरह से फूल में बदल जाएगी। और ये वीडियो दोस्तों पूरी अपडेट के साथ होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त राजेंद्र। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो गुड़हल का पौधा है, इस पौधे पर कुछ कलियां आती हैं पर फूल खिलने से पहले वो पीली होकर गिर जाती हैं। इस पर आपको एक आध कली ही नज़र आएगी। अगर आप चाहते हैं गुड़हल के पौधे की जो कलियां हैं वो पीली ना हो, तो दोस्तों आप गुड़हल के पौधे को धूप में रखें जिससे कि पौधा एकदम हेल्दी रहे। अब दूसरा काम हम ये करेंगे, इस पौधे पर ज़्यादा फूल खिलाने के लिए हमें कुछ फर्टिलाइज़रों की आवश्यकता होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पौधा है काफ़ी घना है, क्योंकि दोस्तों हमने इस पौधे की पहले प्रूनिंग की हुई थी। तो जो इसकी सॉइल मीडिया है दोस्तों, इसे हम एक बार लगभग 2 इंच गहरी हम इस पौधे की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने से होगा ये, जब इसकी मिट्टी में पोल बन जाएगी तो पौधा बहुत ज़्यादा जड़ बनाएगा। या तो सबसे पहले हम 2 इंच गहरी गुड़हल के पौधे की गुड़ाई करेंगे। हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, हम एक नॉर्मल तरीके से गुड़हल के पौधे की गुड़ाई करेंगे। अगर ज़मीन में पौधा लगाया हुआ है तो आप ज़्यादा भी गुड़ाई कर सकते हैं। अगर गमले में गुड़हल का पौधा है तो आप 2 इंच से ज़्यादा गुड़ाई ना करें पौधे की। दोस्तों हमने इस गुड़हल के पौधे की गुड़ाई करके पौधा बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब ज़रूरत है इस पौधे में फर्टिलाइज़र की। जो फर्टिलाइज़र मैं यूज करने वाला हूं दोस्तों, चलिए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए जो फर्टिलाइज़र हम लेके आए हैं वो फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। हमने इसमें 150 ग्राम कोकोपीट ली है और 150 ग्राम बर्मी कम्पोस्ट हमने इसमें मिक्स किया हुआ है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके गुड़हल के पौधे में डाल दूंगा, जिससे कि पौधे में नमी बनी रहे, पौधा अच्छी तरीके से विकास करने लगे। तो देखिए दोस्तों, हमें ये इस तरीके से मिक्स कर देना है। आप इस प्रक्रिया को अपने गुड़हल के पौधे पर हर 10 दिन बाद करें तो आपका गुड़हल का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और देगा ज़्यादा फूल। तो हमने ये अच्छी तरीके से दोस्तों ये देखिए मिक्स कर दिया है। इसके अलावा हमने जो चीज़ ली हुई है यहाँ पे दोस्तों, ये हमने लिया हुआ है सीवीड, जो कि समुद्र की तट की घास में से ये बनाया जाता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। तो इसे हम 400 ग्राम पानी में लगभग 1 चम्मच के करीब यूज करेंगे और इस फर्टिलाइज़र को हम अपने गुड़हल के पौधे में डाल देंगे। आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने गुड़हल के पौधे में 10 दिन बाद यूज आप कर सकते हैं। इसके यूज करने से पौधे पर सबसे ज़्यादा फूल आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पानी में डाल लिया है और एक बार हम इसे लगभग 1 मिनट इसे अच्छी तरीके से घोलेंगे। घोल देने के बाद में इसको हम अपने गुड़हल के पौधे में यूज कर लेंगे। तो हमें ये इस तरीके से हिला लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो अब पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। अब इस फर्टिलाइज़र को हम अपने गुड़हल के पौधे में डाल देते हैं और आपसे मिलेंगे हम पूरे अपडेट के साथ। फर्टिलाइज़र डाले हुए 7 दिन हुए हैं और 7 दिन में आप देख सकते हैं हमारे इस गुड़हल के पौधे पर फूल और कलियां दोनों ही आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से पौधे पर काम करता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई हो। इसके अलावा दोस्तों, हमने एक नया चैनल बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक बार लाइक एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू।